नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज, आपकी आवाज, और मैं हूं राजवीर सिंह। आज भारतीय जनता पार्टी के नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजा भारतेंदु जी ने अपने तमाम समर्थकों के साथ नजीबाबाद क्षेत्र के गांव महावतपुर और समीपुर का चुनावी दौरा किया। इस दौरान दोनों ही गांव में ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाएं पहनाकर उनका जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ आए तमाम समर्थकों, जिनमें पूर्व प्रधान महावतपुर सतीश चौहान और डॉक्टर अशोक गहलोत तथा कई वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाते हुए राजा भारतेंदु जी के लिए वोट मांगे। चुनावी दौरे के दौरान राजा भारतेंदु जी ने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सुशासित सरकार का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और सर्वजन हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। विश्वामित्री जी ले गए, जो लोग परेशान कर रहे हैं, भले लोगों को, गरीब लोगों को, किसानों को, जो गांव में रहते हैं, ऐसे लोगों के पास विश्वामित्र जी लेके गए भगवान राम को। और भगवान राम ने देखा कि कैसे अत्याचारी, कैसे दुष्ट लोग सर पर नाच रहे हैं, भले लोगों के और उन्हें परेशान कर रहे हैं, ये दुख देखकर भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए कि हमारा इसी तरह का शासन आगे भी चलता रहे। पिछली बार हम मात्र थोड़े वोटों से अपनी विधानसभा जीतने से रह गए थे साथियों, वो बल्कि इस बार मत करना। एक एक वोट की आपकी बहुत बड़ी कीमत है। आप सब काम छोड़ देना उस दिन, केवल 14 तारीख को आप सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद ही कोई और काम करेंगे। साथियों, 14 तारीख को आप भाजपा के निशान कमल के सामने वाले बटन को दबाकर राजा भारतेंदु जी को आप कामयाब करें। करता हूं कि 14 तारीख को जब हम अपना वोट डालने जाएंगे तो सोच समझकर, क्योंकि आप सारे सर्वों में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भाजपा की बनने जा रही है, तो हमारा स्थानीय विधायक भी पार्टी का ही होना चाहिए।